नमस्कार साथियों, नव्या साइंस क्लासेज झुंझुनू में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बायोटेक टॉपिक के बारे में समझेंगे। बायोटेक को अपन कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, जैव यानी कि जीव जंतु, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी तकनीकी जो जीवों पर प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जीव जंतुओं के उत्पादों को उन्नत बनाने के लिए या फिर मनुष्य के लाभ हेतु जीव जंतुओं में अपने जो मॉडिफिकेशन करते हैं, जो बदलाव करते हैं, ये दोनों यानी कि अपन तकनीकी का और जीव विज्ञान का दोनों को एक साथ में अपन स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। यानी कि जीव जंतुओं के बारे में प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है बायो, बायो यानी कि जीव, ठीक है, और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है TECH, टेक्नो यानी कि तकनीक और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये बताते हैं कि जीव विज्ञान जो ये और अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, जैव प्रौद्योगिकी। क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इसको अपन इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी। यानी कि बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों के मिलने से बनता है बायोटेक्नोलॉजी। ये तो इसकी शब्द के बारे में है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक न होकर के अपन ये कहें कि इंजीनियर है वो ज्यादा उचित है, क्योंकि ये वास्तव में एक इंजीनियर ही थे, ठीक है। हंगरी के अभियंता, अभियंता यानी कि इंजीनियर है, नाम है कोल इरेकी। क्या नाम है उनका, कोल इरेकी ने 1919 में ये बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया। 1919 में हंगरी के अभियंता कोल इरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द प्रयुक्त किया। अब देखिएगा, ये तो हंगरी की यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई, अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भारत सरकार ने 1982 में एक डिपार्टमेंट बनाया बायोटेक्नोलॉजी के लिए, कि उसका नाम रखा गया NBTB। अब ये इंपोर्टेंट है, यानी कि NBTB की स्थापना कब की गई, 1982। फुल फॉर्म क्या है, एन का मतलब नेशनल, बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इस बी का मतलब है बायो और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो अगला बी है उसका मतलब है बोर्ड, यानी कि नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1982 में। उसके बाद में 1986 में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि डी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायो, बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना 1986 में की गई। इसके 4 साल बाद में ही ये स्थापित हुआ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंडर में 9 संस्थाएं काम करती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि जो DBT है, DBT का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंडर में कितने, यानी कि DBT के अंतर्गत 9 केंद्र काम करते हैं, 9 सेंटर है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर कि ये सेंटर जो है, ये जो केंद्र है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है, आगे समझेंगे। ये तो अपने इंडिया की बात हुई दोनों, 82 में और 86 में। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, तो UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2 सेंटर स्थापित किए हैं। तो एक उसका जो नाम है वो है ICGEB, यानी कि आई का मतलब तो क्या है, इंटरनेशनल, सी का मतलब सेंटर फॉर जेनेटिक, जी का मतलब जेनेटिक, ठीक है, इंजीनियरिंग, ई का मतलब इंजीनियरिंग, और बी फॉर
बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आईसीजीईबी की स्थापना इसके दो सेंटर है यूएनओ ने की है, और अपने लिए ये प्राउड की बात है, ये गर्व की बात है कि आईसीजीईबी की दो संस्थाएं हैं, उसमें एक तो है ट्रिएस्टे, सिटी है ये इटली, ठीक है, इटली में ट्रिएस्टे शहर में, और दूसरी अपने इंडिया के अंदर नई दिल्ली में, ठीक है। जो यूएनओ है उसने दो सेंटर स्थापित किए हैं, किसके, आईसीजीबी के, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के दो सेंटर है, और एक अपना इंडिया में नई दिल्ली में, दूसरा इटली में ट्रिएस्टे शहर में है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि 1986 में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी, इस डीबीटी ने इंडिया में 9 इंस्टीट्यूट स्थापित किए हैं, और वो 9 उनके नाम क्या क्या है और कहां स्थापित हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, वो अपन देखते हैं। नंबर 1 पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी कि इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, ये अपना बेंगलोर, कहां स्थापित है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, यानी कि कर्नाटका में, ठीक है। दूसरा है मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है मदुरई, यानी कि मदुरई में है, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी है, यह है तमिलनाडु में, कहां स्थापित है, तमिलनाडु में, ये सिटी के नाम आते हैं इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन है, ये जो शहर कहां स्थापित है वहां से क्वेश्चन बनता है इनमें। तीसरा है बोस संस्थान, बोस यानी कि अपने जो सुभाष चंद्र बोस हुए हैं उनके सम्मान में, तो बोस जो इंस्टीट्यूट है वो है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। चौथा जो इंस्टीट्यूट है वो है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कहां स्थापित है, नई दिल्ली में। तो ये चार तो ये हुआ, पांचवा जो सेंटर है वो है अपना पूना विश्वविद्यालय, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है पूना, पूना में है, पूना कहां है, महाराष्ट्र में। और छठा पॉइंट है वो है IARI, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आई का मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, कहां है, यानी कि नई दिल्ली में है। सातवां जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है कि कोशिका एवं अणु जीव विज्ञान केंद्र, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल यानी कि कोशिका एंड मोलिकुलर, मोलिकुलर यानी कि अणु आणविक, ठीक है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान केंद्र, यह है हैदराबाद में, कहां है, हैदराबाद में, हैदराबाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तेलंगाना के अलग होने से, आंध्र और तेलंगाना स्टेट के अलग होने से ये हैदराबाद अब कहां है वर्तमान में, तेलंगाना स्टेट, ठीक है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है कोशिका एवं अणु जीव विज्ञान केंद्र। आठवां जो है वो राष्ट्रीय रोधक क्षमता, राष्ट्रीय रोधक क्षमता नई दिल्ली में। और नवा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी, ये अपना चंडीगढ़ जो पंजाब के अंदर है। अब ये सूक्ष्म जीव को अपने एग्जाम्स के अंदर माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में पूछ सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल छोटा जो होता है उसे कहते हैं माइक्रो, और जीव यानी कि बायो, माइक्रो बायोलॉजी जो है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है और पंजाब में है। ये तो बातें हुई कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है, क्या है, किसने इसके बारे में बताया, इसके कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अब अपन बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। शब्दावली का मतलब ये है कि जो जो इसके लिए टर्म्स या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है, उन शब्दों की व्याख्या क्या है, वहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब अपन वो समझेंगे। अब अपन समझेंगे जैव प्रौद्योगिकी जो
इसके काम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है उसके बारे में, जो कि पहली बार जब अपन इनको पढ़ते हैं तो ये शब्दावली अपन को थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत इजी है। देखिएगा अपन इसको किस प्रकार से समझे। पहला नाम आता है कर्तोतक। कर्तोतक इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या, देखिए मान लीजिए अपने पास ये कोई एक पेड़ है, एक पेड़ है जिसके अच्छे फल लगते हैं, फलों की साइज भी बड़ी है और जो फल है उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसमें प्रचुर मात्रा में जो पोषक तत्व होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ठीक है ना, प्रोटीन, वो सारी चीजें उसमें है। तो अब मान लीजिए अपन को इसी एक पौधे से लाखों पौधे तैयार करने हैं, इस एक प्लांट से लाखों प्लांट्स तैयार करने हैं कुछ कम समय में। अब वो प्लांट्स जो है वो तैयार कैसे होंगे, प्राकृतिक तरीका तो ये है कि उसके बीज लगेंगे और बीजों को अपन लगाते हैं, परंतु जब बीज बोते हैं तो जो बीज है उसके जो बीज से जो नया पौधा उगेगा वो अपने जनक के समान नहीं होता है, उसमें जनक के समान तो लक्षण होते हैं परंतु उसमें विभिन्नताएं आ जाती है, नए लक्षण आ जाते हैं। तो वो जो क्वालिटी इस पौधे में थी जनक पौधे में, वो उस संतति पौधे में नहीं आ पाती। अब अपन एक कायिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि जो बीज बनता है वो तो था लैंगिक जनन से, उसमें जनक पौधे के अलावा दूसरे लक्षण भी आते हैं। कायिक जनन का मतलब है अपन ये जो पौधा है इसकी जड़ तना पत्ती किसी को भी काट करके लगा दे तो नया पौधा बन जाए, वो कायिक जनन। लेकिन कायिक जनन सभी पौधों में नहीं होता है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो पौधा है इसकी पत्ती का एक टुकड़ा ले लिया, कहीं से भी एक टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े का अपन ने ऊतक संवर्धन किया। ऊतक संवर्धन एक अलग टॉपिक है, वो अपन बाद में समझेंगे। यानी कि इसका जो टुकड़ा अपन ने लिया है इस पौधे का, क्यों लिया, इस पौधे के जैसे ही लाखों पौधे तैयार करने हैं कम समय में, ठीक है। तो अपन ने जो टुकड़ा लिया है इस पौधे का, तने का या पत्ती का, उसे कहते हैं कर्तोतक या एक्सप्लांट, यानी कि पादप का अलग किया हुआ भाग, पौधे का अलग किया, मतलब उसके पत्तियां भी हो सकती है, शाखाएं हो सकती है, ठीक है, का उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त करते हैं भाग, जिसका उपयोग कहां करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू यानी कि उत्तक, अपन क्या करेंगे उस टुकड़े से उसकी कोशिकाएं सारी अलग अलग हो जाएंगी, ये जो कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है ठीक है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर ये क्षमता होती है, पौधे की बात कर रहे हैं अपन, पादपों की प्रत्येक कोशिका में ये कैपेसिटी होती है कि वो नया पौधा बना सकती है, उस क्षमता को कहते हैं पूर्ण सक्यता, टोटल पोटेंसी, क्या नाम देते हैं उसको, पूर्ण सक्यता, ठीक है, यानी कि पौधे की प्रत्येक कोशिका नया पौधा बना सकती है, उसे कहते हैं पूर्ण सक्यता। अब देखिएगा, यानी कि अपन ने पौधे का जो टुकड़ा अलग कर लिया, ठीक है, जो ऊतक संवर्धन में काम में आएगा वो तो कहलाता है कर्तोतक या एक्सप्लांट। दूसरा शब्द आता है केलस। अब देखिए अपन ने ये पौधा था इसके, यानी कि एक्सप्लांट जो टुकड़ा है उसको अलग कर लिया, अब इसकी कोशिकाएं सारी पृथक पृथक हो जाएंगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन उस टुकड़े का संवर्धन करेंगे, संवर्धन यानी कि कल्चर करेंगे, उसमें पोषक माध्यम डाल देंगे जिसके कारण वो कोशिकाएं जीवित रहेंगी और प्रत्येक कोशिका जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि जिस समय वो पत्ती थी या पत्ती का एक पार्ट था तो वहां पर तो सारी कोशिकाएं संगठित थी और अब ये सारी कोशिकाएं असंगठित हो जाती है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, केलस कहते हैं। केलस किसे कहते हैं, असंगठित कोशिकाओं के समूह को। जब अपन ने ये मान लीजिए पौधा था जिसकी ये पत्ती है, ये पत्ती का एक टुकड़ा आपने लिया तो यहाँ पर इस टुकड़े के अंदर तो कोशिकाएं कैसी थी, संकित, लेकिन जब इसका संवर्धन करेंगे यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने डाल दिया इस टुकड़े को, ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या हो जाएंगे, ये कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी, असंकित हो जाती है, तो इसे कहते हैं केलस,
असंख्य कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स कैलस कहलाता है। अगला नाम आता है प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड क्या है, अपने बायोटेक के विषय का एक टॉपिक पहले अपलोड किया था जिसका नाम था पुनर्संयोजी डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें प्लाज्मिड की बात हुई थी। प्लाज्मिड क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोशिका इस प्रकार की होती है, उसके अंदर खुद का गुणसूत्रीय डीएनए होता है। क्या होता है, गुणसूत्रीय डीएनए अनुवंशिक पदार्थ। उसके अलावा जीवाणु के अंदर गोल आकार का डीएनए और होता है, गोल यानी कि सर्कुलर, ठीक है, राउंड शेप में गोल। तो जीवाणुओं में उपस्थित वर्तुल डीएनए, कैसा डीएनए, वर्तुल डीएनए जो है ये भी डीएनए है, लेकिन ये कैसा है, ये गोल है, इसे कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। अगला नाम आता है वाहक। अब देखिएगा ये जो प्लाज्मिड है ना, ये ही वाहक का काम करता है। वाहक का मतलब क्या है, मान लीजिए अपने पास ये कोई एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, अपन इसका कोई एक जीन लेंगे, इसका जीन यानी कि कोशिका में से अपन को एक टुकड़ा निकालेंगे डीएनए का, इस जीन को अपन इस पौधे की जो कोशिका है उसका जो जीन है उसमें जोड़ देंगे, इस पौधे के जीन को दूसरे पौधे की कोशिका के जीन में जब अपन जोड़ते हैं तो उसके लिए अपन को वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। वाहक का मतलब क्या है, वाहक का शाब्दिक अर्थ ले जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस जीन को, इस पौधे की कोशिका में जो जीन है जिसको अपन ने काट करके अलग किया है, उसको दूसरे पौधे की कोशिका के जीन के साथ जोड़ रहे हैं, वहां इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इस जीन को इस पौधे की कोशिका में, तो उसके लिए अपन को वाहक चाहिए। वाहक यानी कि वेक्टर, ठीक है, यानी कि जीन। जीन किसे कहते हैं, डीएनए का जो टुकड़ा है वो डीएनए का पार्ट या खंड जीन कहलाता है। जीन को एक जीव से, यानी कि एक जीव से कहा ले जाए, दूसरे जीव में ले जाने वाली जो संरचना है ये प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं अपन। जैसे पौधे के लिए अपन करते हैं टीआई प्लाज्मिड का उपयोग, ठीक है, पौधों के जो जीन है एक पौधे से दूसरे पौधे की कोशिका में टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी देखो क्या है, रोगाणु होते हैं, रोगाणु यानी कि रोग फैलाने वाले अणु। रोगाणु जो होते हैं उसके प्रकार है अलग अलग, विषाणु, जीवाणु, कवक, ठीक है, ये सारे क्या है, रोग फैलाते हैं। लेकिन जीवाणु जो है वो लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। कवक जो है वो भी लाभदायक होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे कवक मशरूम है, मशरूम से अपन सब्जी भी बनाते हैं तो लाभदायक है। इसी प्रकार से अपने जो पेनिसिलिन जो औषधि एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है वो भी एक कवक है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और उसको प्राप्त किसने किया था, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो कहने का मतलब यह है कि जीवाणु जो होते हैं वो लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, ठीक है, और कवक जो है वो भी लाभदायक और हानिकारक। परंतु जो विषाणु होते हैं, विषाणु यानी कि वायरस, वो सदैव हानिकारक होते हैं, ठीक है, और विषाणु जो होते हैं वायरस, वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी का मतलब ये है कि जब वो मिट्टी में या हवा में या पानी में जब वो लाखों वर्षों तक पड़े रहते हैं तब तक तो वो निर्जीव की भांति रहेंगे, परंतु जो ही वो सजीव की कोशिका में एंट्री करते हैं, सजीव के संपर्क में आते हैं, तो अपनी वृद्धि बढ़ानी शुरू कर देते हैं, अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर देते हैं और अपने अंदर रोग फैलाते हैं। अब अपन ने बात की जीवाणु भोजी की, यानी कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं, ये विषाणु है, ये विषाणु की संरचना मान लीजिए ऐसी है, ये क्या है कि विषाणु या वायरस, ठीक है। अब विषाणु जो होता है वो मनुष्य के अंदर भी रोग फैलाता है, पौधों में भी रोग फैलाते हैं और अन्य जो जंतु है उनमें भी रोग फैलाते हैं। लेकिन जब ये विषाणु
जीवाणु के ऊपर। ये क्या था अपना, अभी पढ़ा था मैंने, ये जो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जब विषाणु बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर दे तो उस विषाणु को क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। यानी कि वायरस जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, उनके नाम अलग अलग है, जो रोग फैलाते हैं जैसे रेबीज वायरस या रिहेप्टो वायरस बोलते हैं, ठीक है, पोलियो वायरस जो पोलियो फैलाता है। इसी प्रकार से ये जो वायरस है जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो क्या होगा, इस विषाणु को क्या कहेंगे, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियो फेज कहते हैं। डेफिनेशन क्या मिलेगी, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, यानी कि ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं। जो गंगा नदी है, गंगा नदी के अंदर पानी जो कई लाखों वर्षों तक साफ रहता है उसको अपन पवित्र नदी मानते हैं। क्यों, क्योंकि गंगा नदी के अंदर भी ये जीवाणु भोजी वायरस पाया जाता है, जो गंगा नदी के अंदर जो यानी कि उसको प्रदूषित करने वाले जो कीट या जो जीवाणु है वो नहीं बन पाते। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी वो जो नदी को प्रदूषित करने वाले जीवाणु है उन जीवाणुओं को संक्रमित कर देता है, तो उसमें जीवाणु नहीं बन पाते, और जब जीवाणु नहीं बन पेंगे तो पानी जो है वो गंदा नहीं होता। अब आप कहोगे कि ये तो वायरस है, तो ये पानी अपन तो पीते हैं, तो ये वायरस क्या अपने शरीर के अंदर रोग नहीं फैलाएंगे, ये रोग नहीं फैलाते हैं। क्यों नहीं फैलाते हैं, वायरस होते हैं वो किसी जीव विशेष होते हैं, यानी कि पौधे में रोग फैलाने वाला जो वायरस है वो पौधे में ही फैलाएगा, और वो भी स्पेशल पौधे की जाति में, जैसे पपीते का पौधा है तो उसमें वो पपीते में फैलाएगा, या फिर नींबू का जो पौधा है जिसे नींबू में रोग होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है, तो वो जो वायरस है वो नींबू के पौधे में ही सिट्रस कैंकर रोग फैलाता है, अन्य पौधों में नहीं फैलाता। तो विषाणु की विशेषता होती है कि वो यानी कि विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट का मतलब किसी जीव विशेष में रोग फैलाते हैं, यानी कि पौधों में रोग फैलाने वाला वायरस अपने शरीर में रोग नहीं फैलाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है, अपने को संक्रमित नहीं करेगा। अगला पॉइंट है इंटरफेरोन। देखो इंटरफेरोन किसे कहते हैं, जो वायरस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो अपने शरीर के अंदर जो ऊतक है, ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को, जैसे कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं का जो समूह है, ऊतक की परिभाषा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो वो उसे अपन ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। तो ये जब वायरस वायरस किस पे अटैक करेंगे, ऊतकों के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये वायरस है और ये वायरस ऊतक के ऊपर संक्रमण करता है, अपनी कोशिकाओं के समूह में जब अटैक करता है, रोग फैलाता है, तो अपनी जो कोशिकाएं हैं ये विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, अपनी कोशिकाएं उसको नष्ट करने के लिए प्रोटीन बनाती है, जिसे अपने इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटरफेरोन। अगला दो शब्द आता है एंटीजन। देखिए जब कोई रोगाणु अपने शरीर में प्रवेश करता है, रोगाणु मतलब जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से अमीबा है, प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया रोग फैलाता है प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा है, ठीक है, तो ये जो अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, जब ये अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपने रक्त के अंदर अपना जो रक्त है उसमें तीन प्रकार की कणिकाएं होती है। तीन प्रकार की कणिकाओं में एक नाम होता है WBC, नाम सुना होगा आपने, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जो रोगाणुओं से लड़ने का काम करती हैं। जब अपने शरीर के अंदर कोई बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो अपने WBC क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी बनाती है कब बनेंगी, जब शरीर के अंदर रोगाणु आएंगे, और शरीर में जब रोगाणु प्रवेश करता है तो उस रोगाणु को ही क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, उस रोगाणु को ही क्या कहते हैं, एंटीजन। यानी कि रोगाणु या एंटीजन क्या करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है, यानी कि एंटीजन जो है ये क्या करते हैं,
एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करने वाले कारक। अंतिम जो पॉइंट है वो है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स शब्द का जो मतलब है, इसका मतलब है मृदा के बिना पादप संवर्धन, यानी कि अपन जो छोटे छोटे पौधे उत्तक संवर्धन में तैयार करेंगे, वो पौधे मिट्टी में नहीं उगाते हैं, अपन उनको जेली जैसा लिक्विड पदार्थ, पोषक पदार्थ जो तरल अवस्था में होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, खनिज लवण, विटामिन, पोषक खनिज, जो पोषक तत्व चाहिए उसको, वो सारे उसमें होते हैं परखली के अंदर। तो वहां जो पौधा जब संवर्धित होता है, उगता है, तो उसमें मिट्टी नहीं होती, क्योंकि मिट्टी में क्या होना चाहिए, मिट्टी के अंदर खनिज लवण होने चाहिए और पानी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें उसको उस परखली के अंदर टेस्ट ट्यूब में मिल रही है। तो वो जो पौधा अपन बिना मिट्टी के, मृदा के बिना ही प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, धन्यवाद।